हरियाणा के लोग अपनी सभ्यता, परंपरा और मेहनत के बीच को कुछ यूं बोते हैं कि पूरा देश तरक्की से हरा भरा हो जाता है। खेलों में तो इस राज्य का कोई सानी नहीं। कुश्ती से लेकर निशानेबाज और मुक्केबाजी तक यहाँ के लाल अपने पसीने को मेडल्स में बदलने में हमेशा से आगे रहे हैं। विदेशी जमीनों पर तिरंगा लहराने के मामले में भी यहाँ के खिलाड़ी सबसे आगे रहते हैं। अमित का जन्म हरियाणा में रोहतक जिले के मयाना गांव में हुआ। पिता विजेंद्र सिंह पेशे से किसान हैं। घर में बचपन से ही उन्हें बॉक्सिंग का माहौल मिला। बचपन में अमित के बड़े भाई अजय बॉक्सिंग करते थे। वो बहुत ही शानदार बॉक्सर थे, लेकिन अमित बाहर गलियों में खेलते और बदमाशी करते थे। आस पड़ोस के लोग शिकायत करते थे कि आपके बेटे ने मेरे बच्चे को मारा, ये तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर अमित के माँ बाप ने सोचा कि अमित को भी अपने भाई के साथ बॉक्सिंग सीखने भेज देते हैं, थक के घर आएगा तो सो जाएगा, किसी को परेशान भी नहीं करेगा। दोनों भाई बॉक्सिंग करने जाने लगे, लेकिन घर में पैसों की दिक्कत थी। दोनों भाइयों की बॉक्सिंग के खर्चे घर वाले नहीं उठा पा रहे थे। अमित के पापा ने अपने दोस्तों से उधार मांग ली। ये सब हो रहा था तो अजय ने सोचा, मैं बॉक्सिंग छोड़ के नौकरी करता हूँ, बॉक्सिंग मेरा छोटा भाई खेलेगा। अजय ने आर्मी ज्वाइन कर ली। अमित ने भी उनकी सलाह को मानते हुए जी तोड़ मेहनत की और देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस सफलता का पहला श्रेय अमित अपने अग्रज को ही देते हैं। अमित बताते हैं, मेरे बड़े भाई अजय श्रेय के हकदार हैं। वह वास्तव में मेरे लिए सबसे अच्छे कोच हैं। वह हमेशा से मेरे लिए रणनीति बनाते और मैं कोशिश करता हूं कि हर मुकाबले से पहले उनसे बात करूं। अमित के कोच अनिल धनकर ने अमित को बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में जब अमित ने ज्वाइन किया तो उन्हें अमित में वो जुनून, वो चमक दिखी। शायद यही कारण है कि अनिल सर ने अमित से आज तक फीस नहीं ली। कोच अनिल के अंडर ही अमित ने अपनी बॉक्सिंग के बेसिक्स को सीखा। कोच अनिल अमित की हर वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानते हैं। वो अमित के इंडोरेंस बढ़ाने पे हमेशा ध्यान देते हैं। अमित पंघाल की सबसे बड़ी उपलब्धि 2017 में आई, जब उन्होंने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन प्रसिद्धि मिलनी अभी बाकी थी। 2017 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतते ही वह मीडिया की सुर्खियां बन चुके थे। उस एशियाई चैंपियनशिप के मेडल ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करवा दिया, जहां उन्हें हसन वॉय दुस्मातोव ने क्वार्टर फाइनल में हराया था। उस हार ने पंघाल को और मजबूती से वापसी करने के लिए तैयार किया। अब मौका था 2018 राष्ट्रमंडल खेल, जहां अमित ने सिल्वर मेडल जीता। उसी साल हुए एशियाई खेलों में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की हार का बदला ले लिया। 49 kg वेट रेंज में रियो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उज्बेकिस्तान के दुस्मातोव को ढूंढते हुए भारत के लिए 14वां गोल्ड हासिल किया। भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात अमित पंघाल टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के मेडल की बड़ी आस बनकर उभरे हैं। इंडियन बॉक्सिंग में पंघाल के ऊपर चढ़ने का ग्राफ शानदार रहा है, जिसकी शुरुआत 2017 एशियाई चैंपियनशिप में 49 kg वेट रेंज में ब्रॉन्ज मेडल से हुई थी। वह 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेब्यू करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, और फिर उन्होंने बुल्गारिया में प्रतिष्ठित स्ट्रांडजा मेमोरियल में लगातार गोल्ड मेडल हासिल किए, और फिर वह 2018 में एशियाई चैंपियन बने। पंघाल इकलौते भारतीय मुक्केबाज हैं जिसने यूरोप के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित प्रतियोगिता स्ट्रांडजा मेमोरियल में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल हासिल किया। 2019 में उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड अपने नाम किया, और फिर 49 kg के ओलंपिक कार्यक्रम से हटने के बाद 52 kg में खेलने का फैसला किया। इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में उनका शानदार परफॉर्मेंस रहे और इंडिया के लिए एक और गोल्ड मेडल लाए, इसकी हम लोग प्रे करते हैं। तो ये थी एक और इंस्पिरेशनल बायोग्राफी। अगर ऐसी ही और बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।